बंदे पुरुषोत्तम। महामानव का दर्शन। अस्त्रधारी हवलदार पुलिस श्री हरिवंश सिंह पश्चिम राज्य के रहने वाले हैं। कुश्तिया में वे कार्यरत थे। वे मन ही मन श्री ठाकुर से महामानव दर्शन की प्रार्थना किए थे। एक दिन संध्या के समय उन्होंने फौजदारी अदालत के समक्ष एक तालाब के घाट के चबूतरे पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। ऐसे समय उन्होंने सुना, ठाकुर की समाधि हुई है, तुमने देखना चाहा था, अभी जाओ दर्शन करो। इस बात को सुनते ही सिंह जी उठकर खड़े हुए, इधर उधर घूम फिर कर देखा कि कोई व्यक्ति आसपास में नहीं है। दूर में ट्रेजरी के बरामदे पर एक बंदूकधारी सैनिक घूम रहा है। उससे पूछने पर वह बोला कि वहाँ पर दूसरा कोई व्यक्ति आया नहीं है। सिंह जी इसके पहले इस तरह की कोई देववाणी नहीं सुने थे। कुछ समझ नहीं आने पर वे पुनः ध्यान पर बैठ गए। अकस्मात कोई मानो पीछे खड़े होकर दोनों हाथ को ऊपर उठाकर बोला, मैंने कहा कि ठाकुर जी को समाधि हुई है, यह बात विश्वास नहीं हुआ, जाओ मुख्तार अश्विनी विश्वास के घर में देखो। उन्होंने वह देववाणी स्पष्ट सुनी एवं स्पर्श का अनुभव करके चतुर्दिशा में दृष्टि डालने पर किसी व्यक्ति का चिन्ह मात्र नहीं देख पाने से उर्ध्वश्वास से अश्विनी बाबू के घर की तरफ दौड़ पड़े। दूसरे सिपाही ने कहा कि देखो देखो हवलदार साहब को क्या हो गया है, दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं। साथ ही साथ एक दो व्यक्ति हवलदार के पीछे दौड़ पड़े। उन लोगों ने जाकर देखा कि श्री ठाकुर महाभावावस्था में हैं, उनके मुख से भाववाणी निर्गत हो रही है। यह देखकर सिंह जी थरथर कांप रहे हैं। वहां पर उपस्थित लोगों ने सिंह जी से पूछा कि आपको क्या हुआ है। सिंह जी के देववाणी श्रवण की बातें सुनकर सभी अचंभित हो पड़े। श्री ठाकुर श्री सतीश चंद जुआरदार से 37 सितंबर 2019 पेज संख्या 59 से। जय गुरु।